दोस्तों इस वीडियो में हम ट्राइकेट टैरिफ नियम के बारे में बात करेंगे और ब्रॉडकास्टर्स द्वारा जो नई रेट लिस्ट हमारे लिए तैयार की गई थी उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनके बार बार मुझे यही सवाल आ रहे हैं कि क्या 12 फरवरी 2020 से हमारे लिए नई रेट लिस्ट सभी केबल टीवी और डीटीएच द्वारा अपडेट की जा रही है। तो इसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं, तो चलिए एक बार इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बताना चाहूंगा कि ट्राई टैरिफ होल्डर और ब्रॉडकास्टर्स के बीच खींचातानी चल रही है और ये खींचातानी जो है वो सीधा कोर्ट में भी जा पहुंची है। पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट में ही थी, लेकिन अब जो है गुजरात हाई कोर्ट की ओर से भी जब से इस केस को एक्सेप्ट किया गया है तभी से ट्राई भी परेशान है और ब्रॉडकास्टर्स तो अपने बचाव में किसी न किसी तरह लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर जो खबरें आई हैं वो ये है कि पहले जो हमारे लिए नए रेट्स जो ब्रॉडकास्टर्स की ओर से तय किए गए थे वो 1 फरवरी 2020 से मान्य होने थे, लागू होने थे, लेकिन अब जो है उन्हें 12 दिनों की देरी के बाद 12 फरवरी 2020 से सभी केबल टीवी और डीटीएच में अप्लाई कर दिया जाएगा, जिसके बाद सभी ग्राहकों को अधिक रकम चुकाने की नौबत आने वाली है। देखिए कुछ वक्त पहले भी आपको मैंने वीडियो में बताया था कि किस तरह से स्टार इंडिया ने अपने 26 चैनल्स के दामों में इजाफा किया है। सोनी की ओर से भी आपके सामने मैंने लिस्ट रखी थी, कलर्स के जो भी चैनल्स रहते हैं जैसे कि वाइकोमेटिन के जो भी चैनल्स रहते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ इजाफा हुआ है। जी की ओर से भी कुछ चैनल्स के दामों में इजाफा किया गया था। तो ये जो नए लिस्ट आपको मैंने बताई थी ना, ये लिस्ट आपके लिए 12 फरवरी से लागू हो जाएगी और सभी केबल टीवी और डीटीएच जो भी आप देखते हैं इस्तेमाल करते हैं अगर वह लागू कर देता है तो अब जो है आपको अधिक कीमत चुकाने की जरूरत पड़ने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर या उदाहरण के तौर पर कहूँ तो आपका जो मूवी शो के चैनल हुआ करता था जो कि अब स्टार गोल्ड 2 बन चुका है, तो उसकी जो कीमत है वो 1 रुपये प्रति महीना थी, लेकिन अब जो है 12 फरवरी के बाद उसके लिए आपको 2 रुपये प्रति महीना देना होगा, यानी 1 रुपये जो है यहाँ पर इजाफा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको मैंने केवल एक चैनल के बारे में एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जिसकी कीमत में 2 से 4 रुपये या 5 रुपये तक का भी इजाफा किया गया है, तो उसके लिए भी अब आपको जो है जेब ढीली करने की जरूरत पड़ने वाली है। बाकी आने वाले समय में हमारे लिए क्या होता है, ट्राई की ओर से देखिए पूरी कोशिश की जा रही है कि कितना जितना भी मान लीजिए आपका 19 रुपये प्रति महीना चैनल के दाम रखा गया है तो उसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस 12 रुपये किया जाए, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स जो है वो अड़े हुए हैं कि हम जो है इसे लागू नहीं होने देंगे और तभी जो है उन्होंने सभी कोर्ट्स में केस को अप्लाई किया हुआ है। अगर कहीं ना कहीं ट्राई एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस को दायर करता है इन सभी ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ तो ही कुछ यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा, अन्यथा कोई भी सोल्यूशन देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी आपकी क्या राय रहने वाली है मुझे उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कृपया करके हमारा नया चैनल डीडी फ्री डिश टैगेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहां पर आपको डीडी फ्री डिश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले मिलती रहती हैं। नमस्कार।